गीडा थाना क्षेत्र के गाहा साण में एक युवती के घर में अपने दो साथियों के साथ एक दरोगा ने घुसकर युवती से छेड़खानी के साथ जबरन गाड़ी में बैठाने का प्रयास किया। युवती के शोर मचाने पर आसपास लोगों ने इकट्ठा होकर दरोगा को पकड़कर पीट दिया और इसकी सूचना 112 नंबर पर दी। मौके पर पहुंची पुलिस दरोगा को हिरासत में लेकर अग्रिम कार्रवाई कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार दरोगा नरेंद्र चौधरी जनपद बहराइच में उप निरीक्षक के पद पर तैनात है। नगर पंचायत सहजनवा के वार्ड नंबर 2 गाहा साड़ के रंजितवा टोला पर मंगलवार की रात 12 बजे के आसपास एक स्कॉर्पियो पर सवार 3 लोग पहुंचे। वर्दी पहने हुए एक दरोगा ने एक व्यक्ति के घर में घुसकर युवती को सरकारी पिस्तल सटाकर गाड़ी में बैठाने की कोशिश करने लगा। युवती विरोध करके शोर मचाने लगी। युवती की आवाज सुनकर स्वजन उठ गए और विरोध करने लगे, जिस पर दरोगा वर्दी का रौब दिखाते हुए धमकाने लगा, जिससे आसपास के लोग इकट्ठा होकर दरोगा को पकड़कर पीटने लगे। दरोगा भी मारपीट करने लगा। दरोगा को पीटता देख साथ आए लोग भाग निकले। साथियों को भागता देख दरोगा भी अपनी सरकारी पिस्टल व मोबाइल फोन छोड़कर भाग खड़ा हुआ। मौके पर पहुंची मुकामी पुलिस ने पीड़िता के द्वारा दिए गए तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और पूरे मामले को बहराइच पुलिस को इस घटना से अवगत करा दिया है, जिसके संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंपियरगंज एएसपी राहुल भाटी ने बताया। दिनांक 27 अप्रैल 2021 को ग्राम गाहा साड़ थाना गीड़ा में मध्य रात्रि 11 बजे एक व्यक्ति नरेंद्र चौधरी, जो कि जनपद बहराइच में उप निरीक्षक के पद पर तैनात है, उक्त व्यक्ति तथा उसके अन्य दो साथियों द्वारा पीड़िता के साथ छेड़खानी की घटना पारित की गई। वह अपनी सर्विस रिवॉल्वर दिखाकर धमकी दी गई तथा पीड़िता के घर वालों के साथ मारपीट की गई। उक्त घटना का संज्ञान लेते हुए तहरीर मिलते ही एफआईआर पंजीकृत की जा रही है तथा उक्त जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी गई है तथा अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।